दोस्तों नमस्कार। क्रिकेट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी भारतीय क्रिकेट फैंस बेसब्री से टीम इंडिया की अगली सीरीज का इंतजार कर रहे हैं, जहां पर मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अब अफगानिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत और अफगानिस्तान आपस में तीन मैचों की बहुत ही जबरदस्त T20 सीरीज खेलने वाली है। और इस T20 सीरीज का पूरा कार्यक्रम ऑलरेडी अभी से काफी टाइम पहले ही BCCI और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर रिवील कर दिया था। लेकिन इसी बीच आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर जस्ट अभी कुछ देर पहले ही इन तीन मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI ने टीम इंडिया के स्क्वाड्स को चुन लिया है। जी हां, 17 सदस्यीय टीम यहां पर चुनी गई है, जहां पर स्क्वाड्स में हमें काफी सारे बड़े बड़े चौंकाने वाले चेंजेस यहां पर देखने को मिले हैं। और इस वीडियो में आपको इस पूरे दौरे से जुड़ी A to Z हर इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जहां पर हम जानेंगे स्टार्टिंग डेट, शेड्यूल, वेन, न्यूज टाइम, टेलीकास्टिंग, लिस्टिंग डिटेल्स और साथ टीम इंडिया के फाइनल T20 स्क्वाड्स को हम बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान T20 सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाली है। रीजन यही है क्योंकि भाई इस T20 सीरीज के बाद T20 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया कोई भी T20 बाइलेटरल सीरीज नहीं खेलेगा, जिसके चलते T20 वर्ल्ड कप के लिए दोनों ही टीमों के लिए यह जो सीरीज है काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है। सबसे पहले हम इस पूरे दौरे के शेड्यूल एंड वेन्यूज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो तीन मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मैच हमें 11 जनवरी को मोहाली के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। उसके बाद इस सीरीज का दूसरा T20 मैच हमें 14 जनवरी को इंदौर के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। उसके बाद इस सीरीज का तीसरा व अंतिम T20 मैच हमें 17 जनवरी को बेंगलुरु के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। टाइमिंग के बारे में हम यहां पर बात करते तो भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से इस सीरीज के तीनों ही T20 मैचेज का आगाज होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स के बारे में। तो लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स यहां पर पूरी तरह से बदल चुकी है, ना यहां पर स्टार स्पोर्ट्स कवर करेगा, ना यहां पर सोनी टीवी कवर करने वाले। आपको बताना चाहूंगा कि भाई वाइकोम 18 कंपनी ने फिलहाल भारत के डोमेस्टिक और भारत के इंटरनेशनल क्रिकेट के राइट्स को परचेस कर लिया, जिसके चलते वाइकोम 18 कंपनी का जो स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स 18, वहां पर हमें सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। वो यदि आप अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा बिल्कुल फ्री में 4K क्वालिटी में अलग अलग कैमरा एंगल्स के साथ इस पूरी T20 सीरीज का प्रसारण करने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड्स के बारे में। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि BCCI ने इन तीन मैचों की T20 सीरीज के लिए भारत की 17 सदस्यीय टीम को यहां पर सेलेक्ट कर लिया है। स्क्वाड में हमें सीरियसली काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस यहां पर देखने को मिले, टीम इंडिया के स्क्वाड्स को लेकर काफी सारे बड़े बड़े की अपडेट्स की हाइलाइट्स यहां पर निकल कर आई है। तो चलिए वन बाय वन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन सभी बड़े अपडेट्स के बारे में जो यहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड्स को लेकर निकल कर आए। तो पहला अपडेट यहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही खिलाड़ियों के कमबैक को लेकर है, जहां पर सभी को इन दोनों ही खिलाड़ियों के T20 फॉर्मेट में कमबैक का इंतजार था। दोनों खिलाड़ियों का T20 फॉर्मेट में फ्यूचर थोड़ा सा अब कम नजर आ रहा था, लेकिन BCCI ने यहां पर अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है। दोनों खिलाड़ियों में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में टीम इंडिया के स्क्वाड्स का हिस्सा यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के दो बेस्ट खिलाड़ियों को लेकर, जी हां दोनों खिलाड़ी यहां पर इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान T20 सीरीज से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुके हैं। अभी तक ये दोनों खिलाड़ी अपनी इंजरी से, एंकल इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए, जिसके चलते इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान T20 सीरीज से BCCI ने इन दोनों ही खिलाड़ियों को आराम देने का यहां पर ऐलान कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है कैप्टनसी को लेकर, इस T20 सीरीज में कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान, ये भी फिलहाल सबसे बड़ा सस्पेंस यहां पर था। पहले हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का नाम था, लेकिन दोनों खिलाड़ी इंजरी की वजह से इस सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद स्पोर्ट्स 18 चैनल ने सीरीज का जो पोस्टर रिवील किया था, उस पोस्टर को आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसके बाद ऐसे यहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि शुभमन गिल हमें इस T20 सीरीज में टीम इंडिया की लीडरशिप करते नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों अब जो लेटेस्ट अपडेट है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि भाई रोहित शर्मा को BCCI ने फाइनली यहां पर कन्वेंस कर लिया है T20 फॉर्मेट में कमबैक के साथ साथ वो हमें यहां पर T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की लीडरशिप भी करते हुए नजर आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है
उन खिलाड़ियों की लिस्ट को लेकर जिनको इस सीरीज से आराम दिया जाएगा। जी हाँ, आपके दो खिलाड़ी ऑलरेडी रूल्ड आउट हो चुके हैं, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव एंकल इंजरी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दोनों ही खिलाड़ियों को इस टी20 सीरीज से आराम देने का ऐलान यहां पर बीसीसीआई ने किया है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके मोहम्मद शमी भी अभी तक अपनी इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए, जिसके चलते इस टी20 सीरीज से उनको यहां पर रेस्टेड रखा गया है। गायकवाड़ को लेकर बड़ा सस्पेंस बरकरार था, गायकवाड़ भी हमें इस टी20 सीरीज में रेस्ट ही करते नजर आएंगे कि भाई अभी तक वो भी यहां पर बिल्कुल अच्छी तरह से पूरी तरह से अपनी इंजरी से रिकवर नहीं हो पाए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर रहा है उन खिलाड़ियों की लिस्ट को लेकर जिनको यहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड्स में मौका मिलने वाला है। जी हां, दो बड़े स्टार प्लेयर्स के नाम यहां पर निकल कर आए हैं। पहला नाम यहां पर संजू सैमसन का है। जी हां, सभी की दिले ख्वाहिश थी कि भाई संजू सैमसन हमें टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए खेलते दिखे, टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए धमाल करते दिखे। तो भाई ऐसे में यहां पर जो अपडेट उसके मुताबिक कैसा बताया जा रहा है कि टी20 सीरीज में संजू सैमसन को भी चांस मिलने वाला है। वही सेकंड अपडेट यहां पर युजवेंद्र चहल को लेकर है। यहां पर भाई आपको पता है जब जब टी20 वर्ल्ड कप या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप आता है फॉर्मेट के हिसाब से युजवेंद्र चहल को बीसीसीआई इग्नोर करता है, लेकिन अब की बार उनके बारे में काफी ज्यादा सोचा जा रहा है और ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि सीरीज में डेफिनेटली हमें टीम इंडिया के स्क्वाड्स में देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है टीम टेक्सचर को लेकर, कैसी होगी यहां पर टीम, किस तरह के स्क्वाड्स के ऐलान यहां पर होने वाले हैं। तो भी आपको बिल्कुल क्लियर कट मैं बताना चाहूंगा कि भाई बीसीसीआई ने पहले ही ऐसा ऐलान कर दिया है। पहले तो बीसीसीआई ने ऐसी रणनीति बनाई थी कि भाई हम यहां पर बिल्कुल नई टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप में उतरेंगे, लेकिन दोस्तों वो जो प्लान था उस प्लान को यहां पर बीसीसीआई ने कैंसिल कर दिया है। सेलेक्टर्स ने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और भाई जो नया प्लान है वो ये कि भाई अब एक्सपीरियंस और आपके यंगस्टर्स दोनों का एक अच्छा मिक्सअप यहां पर टी20 वर्ल्ड कप में हमें टीम इंडिया के लिए खेलता नजर आएगा, जहां पर भाई सीरियसली आपके नए नए स्टार प्लेयर्स भी होंगे और आपके एक्सपीरियंस गेंदबाज भी हमें टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिलेंगे, जिसके चलते टी20 फॉर्मेट के लिए बिल्कुल अलग तरीके से फिलहाल बीसीसीआई अपना काम कर रही है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारत की उस 17 सदस्यीय टीम के बारे में जो हमें अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया के लिए धमाल करती हुई नजर आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बल्लेबाजों के बारे में। तो 6 प्रॉपर बल्लेबाजों के नाम यहां पर निकल कर आ रहे हैं जो इस टी20 सीरीज में हमें धमाल करते नजर आएंगे। जहां पर डेफिनेटली आपके शुभमन गिल का नाम यहां पर है, गिल सीरियसली जबरदस्त टी20 फॉर्म में भी है। उसके अलावा यशस्वी जायसवाल सीरियसली ओपनिंग भी करते नजर आएंगे और भी आपको पता है रिसेंटली इन्होंने जो अचीव किया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम रहने वाली है टी20 फॉर्मेट में, सीरियसली यहां पर जगह डिजर्व कर रहे हैं। तीसरे बल्लेबाज यहां पर रिंकू सिंह है, टीम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ये फिनिशर होने वाले हैं, डेफिनेटली इनको भी यहां पर बीसीसीआई कंसीडर कर रही है। उसके अलावा श्रेयस अय्यर के ऊपर बड़ा फोकस बीसीसीआई ने कर रखा है, टी20 वर्ल्ड कप भी खिलाना चाहते हैं, जिसके चलते इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान टी20 सीरीज में भी टीम इंडिया के स्क्वाड्स का हिस्सा हमें यह खिलाड़ी देखने को मिला। उसके अलावा आपके दोनों सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली जिनको लेकर बड़े सस्पेंस बरकरार थे, दोनों खिलाड़ी भी हमें यहां पर एज बैटर्स की लिस्ट में देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विकेट कीपर्स के बारे में। तो 2 विकेट कीपर बल्लेबाज हमें यहां पर टीम इंडिया के मेन स्क्वाड्स में देखने को मिलने वाले, जहां पर आपके ईशान किशन फाइनली आपको पता है भाई मेंटल फटीग की वजह से लास्ट जो सीरीज थी उससे उन्होंने आराम लिया था, लेकिन फाइनली वो टीम के साथ जुड़ चुके हैं और भाई इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान सीरीज के लिए स्क्वाड्स में उनको शामिल किया गया है। दूसरे नाम को लेकर सस्पेंस प्रकार था, लेकिन ऐसा क्लेम किया गया है कि केएल राहुल हमें यहां पर रेस्ट करते नजर आएंगे और संजू सैमसन को यहां पर एज विकेट कीपर बैटर टीम इंडिया के स्क्वाड्स में जगह मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में। तो भाई 2 प्रॉपर ऑलराउंडर्स हमें यहां पर इस सीरीज में देखने को मिलने वाले हैं। पहले आपके यहां पर डेफिनेटली रविंद्र जडेजा होंगे, जडेजा आपके हर फॉर्मेट में फिलहाल बीसीसीआई कंसीडर कर रही है, हर फॉर्मेट में लगातार वो यहां पर परफॉर्मेंस भी निकाल कर दे रहे हैं, जिसके चलते बीसीसीआई आंखें बंद करके उनके ऊपर अपना विश्वास कर रही है। वही सेकंड ऑलराउंडर आपके यहां पर शार्दुल ठाकुर हमें देखने को मिलेंगे, शार्दुल ठाकुर भी इस टी20 सीरीज में हमें धमाल करते हुए नजर आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में। तो भाई आपके 6-7 गेंदबाज हमें यहां पर इस टी20 सीरीज में टीम इंडिया के मेन स्क्वाड्स का हिस्सा देखने को मिले, जिनकी लिस्ट को आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे, जहां पर भाई आपके रवि बिश्नोई टी20 फॉर्मेट के नंबर 1 गेंदबाज का नाम यहां पर, सीरियसली इस खिलाड़ी ने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस टी20 फॉर्मेट में करके दिखाया, जिसके चलते सीरियसली भाई फिलहाल यह खिलाड़ी टी20 फॉर्मेट में राज भी कर रहा है। युजवेंद्र चहल हमें यहां पर देखने को मिलेंगे, चहल अपना कमबैक करने वाले हैं, मुकेश कुमार तो खुद को प्रूव करके दिखा चुके हैं, वो भी यहां पर जगह को डिजर्व कर रहे हैं। उसके अलावा भाई आवेश खान 150 प्लस की स्पीड से रेगुलर गेंदबाजी कराने वाला यह गेंदबाज हमें टीम इंडिया के स्क्वाड्स में देखने को मिला है। अर्शदीप सिंह
सिंह का नाम भी यहाँ पर और प्रसिद्ध कृष्णा को एक बार फिर से यहाँ पर चांस दिया जाएगा लास्ट सीरीज में। टोटली फ्लो परफॉर्मेंस प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ से आया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर थोड़ा सा विश्वास अभी भी बीसीसीआई उनके ऊपर अपना दिखा रही, उनको और यहाँ पर चांसेस मिलने वाली है। तो दोस्तों कुछ ऐसी 17 सदस्यीय टीम हमें अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारत की दिखाई देने वाली है जस्ट कुछ टाइम के बाद, 1-2-3-4 घंटे के बाद इस सीरीज के लिए ऑफिशियल स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट हो जाएगी। और जैसे यहाँ पर ऑफिशियल स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट हो जाती है तो इस वीडियो के पिंड कमेंट में आपको फाइनल स्क्वाड्स देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको हर अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले देखने को मिलता है। और भी हो सकता है स्पेसिफिक वीडियो भी मैं उन फाइनल रियल स्क्वाड्स के ऊपर बनाकर अपने चैनल पर डाल दूं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस T20 सीरीज का चैंपियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।